हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू प्रेजेंट टेंस। तो चलिए प्रेजेंट टेंस करते हैं और समझते हैं और बुक की एक्सरसाइज को विद आंसर्स करते हैं। सो प्रेजेंट टेंस, व्हाट डू मीन बाय द प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है जैसे कि नाउ और द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। जब हम बोल रहे हैं और अभी हम लिख रहे हैं तो उससे रिलेट करता है आपका प्रेजेंट टेंस। जनरली फैक्ट्स और थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट टेंस। जो भी आपके फैक्ट्स होती हैं, जो थिंग्स होती है, जो हमेशा ट्रू होती है, वो एक्सप्रेस करती हैं आपको, आपके क्या एक्सप्रेस करती है? प्रेजेंट टेंस को। चलिए आई एम गोइंग टू शेयर द टेबल, जो आपको बड़ी ही हेल्पफुल करेगी। तो एज वी नो वेरी वेल, अगर हम वेन वी आर मेकिंग अ सेंटेंस, वी नो द टेंस फॉर्मेशन। द टेंस फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट वी प्लस ओ। ठीक है, तो हमें पता है सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे आता है, ऑब्जेक्ट लास्ट प्लेस पर आता है। तो जो लर्न करने वाली चीज़ है वो है वर्ब की फॉर्म, कि कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में अप्लाई होती है, पास्ट में कौन सी, प्रेजेंट में कौन सी और फ्यूचर में वर्ब की कौन सी फॉर्म अप्लाई होती है। तो चलिए एक शॉर्ट टेबल से वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। चलिए, एज वी नो वेरी वेल देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एग्जांपल, तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या है व्हेन वी आर मेकिंग अ प्रेजेंट टेंस? जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल आई ईट एन एप्पल, ऑलवेज वी वन अप्लाई, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता ही है फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे होते हैं। अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में हमेशा ये याद रखना है आपको, वी वन प्लस आई एन जी लगता है, कंटिन्यूस विच इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, जो चल रहा है आपका। तो हेल्पिंग वर्ब होगा आपका इज आर एम, गॉट इट? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे आपको पता ही है। चलिए जब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट मीन्स हैज़, हैव, विल, कम। परफेक्ट में आपका हमेशा हैज़, हैव लगता है, क्लियर? और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता ही है फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे होती है। परफेक्ट का मतलब होता है विच इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन इवेंट हैपनिंग इन अ टाइम पीरियड बिगनिंग इन द पास्ट एंड लीडिंग अप टू द प्रेजेंट, जो पास्ट से प्रेजेंट में चल रहा है। अब आ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसको परफेक्ट और कंटिन्यूस पता चल गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस तो अपने आप ही पता चल जाएगा, बिकॉज हैज़, हैव के देखिए आपका परफेक्ट है और वी वन प्लस आई एन जी, जो मैंने बताया था वी वन प्लस आई एन जी अप्लाई हो रहा है कंटिन्यूस में, और हैज़, हैव आपका परफेक्ट में, तो हैज़, हैव परफेक्ट वाला लिया और वी वन आई एन जी कंटिन्यूस वाला लिया और साथ में बीन लिया बिकॉज दे आर वॉकिंग टुगेदर, क्योंकि वो साथ साथ चल रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, दैट्स वाई। तो हैव, हैज़, बीन प्लस वी वन आई एन जी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका लगा हुआ ही है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला के साथ साथ देखते हैं इनका जो है एग्जाम्पल्स। आई ईट एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, तो चलिए और हम दूसरे टेंस चार्ट से भी समझते हैं इसको। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट आता ही है, तो लर्न करने वाला हमारा वर्ब का फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे वी वन हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था वी वन प्लस आई एन जी होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज आर एम। ठीक है, परफेक्ट की बात करें तो हैज़, हैव आता है, ऑलवेज वी थर्ड आता है। जैसे परफेक्ट की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हैड और वी थर्ड हो गया, हैज़, हैव हैड थ्री ब्रदर्स मैंने आपको बताया था स्टोरी में, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें मैंने आपको अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो भी यहाँ पर आपका क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल, हैव, वी थर्ड, ऑलवेज ये ध्यान रखना है आपको फ्यूचर में हमारा विल शैल आता है, जहाँ भी बात करेंगे विल शैल की साथ बात करेंगे। ठीक है, और देखिए, और वर्ब की टू फॉर्म, यही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे वर्ब की वी टू फॉर्म आती है, वो है आपका सिंपल पास्ट, और कंटिन्यूस का मतलब होता है वी वन प्लस आई एन जी। जहाँ पे भी आप कंटिन्यूस देखेंगे वहाँ वी वन प्लस आई एन जी देखेंगे, जहाँ पे भी कंटिन्यूस वी वन प्लस आई एन जी, वी वन प्लस आई एन जी देखिए, कंटिन्यूस वी वन प्लस आई एन जी। तो फोर फॉर्म्स है हमारी, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ऐसे ही हम पास्ट के साथ करेंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर फोर फॉर्म्स फ्यूचर्स की होगी, सिंपल फ्यूचर्स, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो चलिए यही साथ में एग्जांपल्स हैं, हाँ, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में करना है और अच्छे से इस फॉर्म को ज़रूर लर्न कर लेना, ताकि इसी की फॉर्म से जो है हमारे एग्जांपल्स बने हुए होते हैं। जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे
सिंपल प्रेजेंट का, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पे वी वन एस और ई एस होता है, ठीक है। लेकिन जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, इसका मतलब जब हम ही शी इट के साथ बात करेंगे, तो यहाँ पे एस और ई एस लगा। ये देखिए राइजेस लगा हुआ है यहाँ पे हेल्प्स लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं, आई है, वी है और यू है, जब हम इसकी बात करेंगे तो हम जो है ओनली वी वन अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हॉर्सेज लिव इन स्टेबल्स, ठीक है, और शेड आएगा यहाँ पे, एस नहीं लगा हुआ, ठीक है। क्रोकोडाइल्स आर हेल्पिंग वर्ब है ये आपका, क्लियर। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं फटाफट पे। यहाँ पे देखिए माय आंट डज फार्मिंग इन हर ट्री टाइम, इन हर सॉरी फ्री टाइम। तो यहाँ पे डू गिवन है, तो डू का क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। क्यों डज आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो है डू और डज हमारा ऑलवेज वी वन कैरी करता है, ठीक है। या फिर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो डू डज लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैरी दिया हुआ है तो कैरीज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी की फॉर्म में अप्लाई करनी है तो आई के साथ हमेशा जो है एम लगता है, ठीक है। बॉस का क्या होगा, बॉसेस हो जाएगा। लाइक का क्या होगा, लाइक्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, वी वन प्लस एस और ई एस लगेगा। चलिए नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले क्या करना, जैसे कि सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नॉट लगाना आपको, तो नॉट आप कहाँ पे लगाएंगे, नॉट आप लगाएंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यहाँ पे आपका हमेशा नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के। ये सेंटेंस फॉर्मेशन है जो आपको लर्न करनी है व्हेन यू आर मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस। और आप अपनी स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ये फॉर्म की कौन सी जो है टेंस फॉर्म है, तो देखिए वर्ब को देखिए सबसे पहले प्लेस है, प्लेस का मतलब क्या होगा, वी वन प्लस एस और ई एस, इसका मतलब ये किससे बिलोंग कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट से बिलोंग कर रहा है। सिंपल प्रेजेंट से मतलब आपको डू और डज लगाना है, डू डज लगाएंगे तो ये ध्यान रखना प्ले मतलब वी वन आएगा आपका। सेकेंड स्टेप देखिए, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब विल कम एट फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, अगर गिवन है। चलिए तो देखिए गीतांजलि मेक्स हर बेड, तो यहाँ पे मेक्स क्या है आपका, शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, एस और ई एस, ठीक है, वी वन प्लस एस और ई एस, इसका मतलब ही सिंपल प्रेजेंट से बिलोंग कर रहा है। सिंपल प्रेजेंट में डू डज लगता है, डू डज के साथ मेक होगा, वी वन होगा। ऐसे ही सेकंड में देखिए निशा पेरेंट्स ऑन अ रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे जो है डू आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा आपको। मिस्टर सोलंकीज चिल्ड्रन आर वेल मैनर्ड, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है तो इसको हम सबसे पहले रखेंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे और बाकी सेंटेंस आपका विल रिमेन द सेम। नाउ कम टू द एक्सरसाइज बी को देखते हैं और फटाफट इसके आंसर्स को हम टैली करते हैं। आपको चेंज करना है ये नेगेटिव फॉर्म में मतलब कि नॉट लगाना है, और क्वेश्चन फॉर्म में मतलब कि हेल्पिंग वर्ब विल कम एट फर्स्ट प्लेस। तो चलिए लेट्स सी ऑल द आंसर्स। तो इसमें ध्यान रखिए नॉट मैनी पीपल होगा, ना कि मैनी पीपल नॉट कम हियर टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, डू मैनी पीपल कम हियर टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। चलिए ऑल ऑफ अस क्या होगा, डोंट, ऑल ऑफ अस डोंट नो, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे डू ऑल ऑफ अस हो जाएगा, बाकी रिमेन सेंटेंस सेम रहेगा। चलिए वी डिस्करेज, वी डिस्करेज है तो वी आपका सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद, मतलब कि नॉट होगा तो वी डोंट डिस्करेज होगा, और डू वी डिस्करेज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डू मेक अ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। चलिए आवर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वर्क होगा, ठीक है, और अगर आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो डज आर ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट होगा। फटाफट चेक करते हैं फिफ्थ और सिक्स को भी, तो इट इज़ नॉट केस होगा, ठीक है, दैट ओनली फीमेल मॉस्किटोज बाइट, Do only female mosquitoes bite, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, ठीक है। रस्किन डजेंट फाइंड वॉचिंग टीवी बोरिंग, और डज रस्किन फाइंड वॉचिंग टीवी बोरिंग। अब उसके बाद से आते हैं फटाफट सी एक्सरसाइज, और सी एक्सरसाइज के भी आंसर्स देखते हैं। रीराइट दिस सेंटेंस करेक्टली, तो चलिए इसको करेक्ट करके लिखना है आपको, तो क्या एरर है, फाइंड आउट द एरर।
नाउ सी ऑल दी आंसर. श्रीधर लव्स डिटेक्टिव स्टोरीज होगा इसका, ठीक है. आई लाइक राइडिंग अ मोटरसाइकिल सेकेंड का. थर्ड का होगा सम्यक वॉन्ट्स सम टी. और फोर्थ का शोएब ऑफन मिसेज हिज क्लासेस. और यहाँ पे होगा आपका फिफ्थ का हॉर्सेज हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स, ठीक है. क्योंकि आपको एरर फाइंड आउट करनी थी तो आर यू अपसेट विद मी क्वेश्चन मार्क बीइंग नहीं होगा यहाँ पे. वी हैव एन एक्टिंग क्लास वंस अ वीक. और यहाँ पे एट्थ में होगा द बेबी वॉन्ट्स टू बी विद इट्स मदर. इज वॉन्टिंग नहीं होगा. सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकेंड पार्ट इसका. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. और हाँ, लिटरेचर को कोई चैप्टर सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए. समरी करना चाहते हैं तो समरी बाय रानी शर्मा. और अगर क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा. डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो. और अगर ग्रामर के आंसर्स देखना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए, एक्सरसाइज विद आंसर्स लिखिए साथ में, और बाय रानी शर्मा लिखना ना भूलिए. सो बाय बाय टू ऑल.